बिजली कटौती पर कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान के बाद बिजली विभाग महकमे की जमकर किरकिरी हो रही है। इस बीच कमल पटेल ने विवाद पर सफाई दी है और कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है। ऐसे में बिजली की किल्लत पर ऊर्जा मंत्री से बात की गई और अब समस्या का समाधान हो गया है। सियासत में एक शब्द के बड़े मायने होते हैं, इसका अंदाजा मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल को भी उस वक्त हो गया जब बिजली कटौती को लेकर उनके बयान के वायरल होते ही बवाल मच गया। बुधवार को जहां कमल पटेल कबूल कर रहे थे कि एमपी के हरदा और होशंगाबाद में 10-10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, तो वहीं बयान पर विरोधियों के निशाने साधते ही वे डैमेज कंट्रोल में जुट गए। खुद को किसानों का हितैषी बताने लगे, समस्या का समाधान होने के लिए ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद कहने लगे। खत्म हो जाएगी, किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर भाई मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद करके जो 10 घंटे बिजली मिल रही वो तो दिलवा दो यार। मैंने एमडी को बताया पर आप जाए टाइट करके और बोल दो। वो लोड सेटिंग के नाम पे बहुत काट रहे हैं, वो नहीं करे लोड सेटिंग यहाँ दो दिनों में हरदा और होशंगाबाद। हरदा और होशंगाबाद में 4,000 करोड़ की मूंग पैदा हुई, पिछली बार 3,500 करोड़ की मूंग की फसल बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी बिजली की कमी के कारण किसानों में अंतिम हमने पूर्ति करा दी और तत्काल व्यवस्था भी कर दी गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ और हम किसान के लिए चिंतित है इसलिए करते हैं और सरकार का दायित्व भी ये करना चाहिए। कांग्रेस को तो किसान की बात करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है, कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पे है, इसके अलावा मैदान में कहीं नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई है, 15 महीने में पूछता हूँ कांग्रेस की सरकार रही तब आपने क्या किया, और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब तो बंटाडार कर दिया था। 2990 मेगावाट बिजली होती थी पूरे प्रदेश के अंदर, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 21,000 मेगावाट ले गए, जहाँ गाँव में कई 2 घंटे बिजली नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिजली सिंगल फेज हम दे रहे हैं और किसानों को 10 घंटे दे रहे हैं। और इसलिए जो कुछ भी किसानों के हित में प्रदेश के हित में काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बयान पर विवाद हुआ तो कमल पटेल सफाई लेकर सामने आए, लेकिन तब तक उनके बयान की वजह से ऊर्जा मंत्री की फजीहत हो चुकी थी। अब तक किसी तरह के बिजली संकट से इनकार करने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर स्वीकार करने लगे कि बिजली संकट है और अगले कुछ दिनों में इसका पूरा समाधान हो जाएगा। देखिए मेरा ये कहना है कि उनके क्षेत्र में कोई कमी है, उन्होंने मेरे संज्ञान में लाया है और उसको भी हम ठीक करेंगे। किसी भी क्षेत्र की समस्या हो और उसको हम ठीक करेंगे, और कमी होगी और अगर प्रकृति के आधार से कहीं कोई कमी आ गई तो बात अलग है। दो मंत्रियों की बातचीत पर उठे विवाद और सफाई के दौर की वजह से कांग्रेस को मौका मिल गया जिसे कुणाल चौधरी ने जाया नहीं होने दिया, उनके निशाने पर ऊर्जा मंत्री आ गए। आज जिस किसान को 10 घंटे बिजली की बात करते हैं, आज बिजली नहीं है, शादियां पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है रात भर, बगैर जिसके पास जनरेटर नहीं उस गरीब की शादियां अंधेरे के अंदर हो रही है। मध्य प्रदेश के अंदर वो गरीब जो आज गर्मी के अंदर प्रताड़ित है, परेशान है, इन्होंने ग्रामीण कटौती योजना चालू करी और भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में मंत्री जी के बयान पर सियासत गर्मा गई है, कांग्रेस निशाना साध रही है, तो वहीं ऊर्जा मंत्री जल्द राहत की उम्मीद जता रहे हैं जिसके पूरे होने की दुआ परेशान जनता कर रही है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 8।